मेरे को विश्वास दिलाया कि ये मेरे को सरकारी नौकरी दिलवा देंगे। उन्होंने मेरे को व्हाट्सअप किया कि तेरा ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, तो उनको 2 लाख दे दिए, जो कि आशा और सिंधी साथ ही थे मौके पर। 4,24,000 हड़प लिए हैं। पियोवा उपमंडल में एक युवती को नर्स की सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर महिला और उसके भतीजे ने 4,24,000 रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। आरोपी सुरेंद्र कौर उर्फ छिंदी और उसके भतीजे रमन और उसकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता शालू का आरोप है कि पैसे मांगने पर आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। रमन और छिंदी, इन्होंने मेरे को विश्वास दिलाया कि ये मेरे को सरकारी नौकरी दिलवा देंगे। छिंदी ने मेरे को कहा कि मैं तेरे परिवार को बहुत पहले से जानती हूँ, तुम लोग बहुत गरीब हो, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं तुमको सरकारी नौकरी दिलवा सकती हूँ। मेरे पास किसी के कागज आए हुए हैं नौकरी के लिए, तो मैं उसके कागज वापस कर सकती हूँ, वो वेल सेटल्ड है, और आपको मैं जो है नौकरी दिलवा दूंगी सरकारी। बता दें कि कुरुक्षेत्र के पेवा उपमंडल निवासी पीड़िता शालू ने बताया कि वह निजी अस्पताल में नर्स के तौर पर काम करती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात रमन से हुई। रमन की बुआ ने उसे अपने झांसे में लेते हुए कहा कि उनकी हरियाणा सरकार में कई उच्च अधिकारियों व मंत्रियों से जानकारी है, वह उसे सरकारी नर्स की नौकरी देंगे। इस एवज में उसने पीड़िता से 4 लाख रुपए और आने जाने का खर्चा अलग से लिया, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी उसका कोई भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, तो उसने आरोपियों से पूछताछ की, तो आरोपियों ने उसे कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उसके पैसे वापस मांगने पर आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। जांच अधिकारी कुलदीप सिंह के अनुसार शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है, आगे पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। क्या नाम है आपका? शालू। तो क्या मामला है? मैं एक जीएनएम स्टाफ नर्स हूँ। मैं आशा के घर गई थी किसी काम से, तब आशा, रमन और छिंदी, इन्होंने मेरे को विश्वास दिलाया कि ये मेरे को सरकारी नौकरी दिलवा देंगे। छिंदी ने मेरे को कहा कि मैं तेरे परिवार को बहुत पहले से जानती हूँ, तुम लोग बहुत गरीब हो, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं तुमको सरकारी नौकरी दिलवा सकती हूँ। मेरे पास किसी के कागज आए हुए हैं नौकरी के लिए, तो मैं उसके कागज वापस कर सकती हूँ, वो वेल सेटल्ड है, और आपको मैं जो है नौकरी दिलवा दूंगी सरकारी। तो बस मैं उनकी बातों में आ गई। उन्होंने मेरे को यकीन दिलाया, उन्होंने मेरे को कुछ ऐसी फोटोज दिखाई जो उनकी सोनिया गांधी के साथ, चट्टर जी के साथ, काफ़ी मंत्रियों के साथ उन्होंने अपने मेरे को फोटो दिखाई। उन्होंने मेरे को विश्वास दिलाया कि उनकी बहुत जानकारी है मंत्रियों के साथ। और आशा ने भी कहा कि मैं जो सरकारी नौकरी लगी हूँ, मैं भी ऐसे ही लगी हूँ सिफारिश पर, और इन्होंने बहुत से लोग लगवाए हैं, इन्होंने मुझे बाकायदा नाम भी गिनवाए हैं 2-3 के, कि मैंने ये भी लगवाया तुम्हारे बस्ती में से, वो भी लगवाया, तो मैं तेरे को भी लगवा दूंगी। मेरे को इनकी बातों पे यकीन हो गया, तो मैंने इनको बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है ज़्यादा। इन्होंने मेरे को कहा कि पैसे एक साथ नहीं देने हैं, थोड़े थोड़े करके पैसे देने हैं, अभी जो है सिर्फ 20,000 देने हैं। उस टाइम मेरे पास गूगल पे में 10,000 रुपये पड़े थे मेरी सेविंग्स के, मैंने इनको तभी के तभी ट्रांसफ़र कर दिए। अगले दिन मैं फिर इनको 10,000 रुपये और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, एक फ़ोटोग्राफ सब देकर आई, और मैंने उनको बोला कि मेरा काम कब तक हो जाएगा। इन्होंने मेरे को बोला कि तेरा काम हो जाएगा 10-15 दिन तक। उसके हफ्ते बाद मैंने इनको फ़ोन किया कि आप लोगों ने मेरा काम नहीं करवाया, तभी ये मेरे को मनदीप चट्ठे के घर लेकर गई, कहते तेरे को यकीन नहीं हो रहा तो मैं तेरे को लेकर चलती हूँ। इन्होंने मेरे को चट्ठे जी के घर ले जाकर बिठा दिया। जब उनकी मिसेज ने पूछा कि ये लड़की कौन है, तब छिंदी ने कहा कि इसको नौकरी लगवाना है, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कोई ऐसे एग्रीमेंट नहीं दिया या कोई ऐसी उनकी कन्वर्सेशन नहीं थी कि हाँ वो मेरे को नौकरी लगवाएंगे, ठीक है। इतनी ही बात हुई, तब वो इधर उधर की बातें करने लग गए। फिर उसके बाद हम लोग आ गए, तब इसने मेरे को कहा कि, मैंने इनसे पूछा कि उन्होंने तो बोला ही नहीं कि हम इस तेरे को नौकरी लगवाएंगे, तब इसने मेरे को बोला कि बड़े लोग ऐसे नहीं बोलते होते हैं कि वो नौकरी लगवाएंगे, बस उन्होंने बोल दिया ना कि ठीक है, तो इसका यही मतलब है कि ठीक है तो नौकरी लग जाएगी। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद इन्होंने मेरे को बोला कि 4 लाख जो है नौकरी के लिए तेरे लगेंगे। मैंने कहा कि मेरे पास 4 लाख नहीं है। इन्होंने कहा वो भी इंस्टॉलमेंट में देने हैं, ज़्यादा नहीं देने हैं। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इनको थोड़े दिनों तक पूछा कि अभी तक मेरा कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ना कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने दी है, भी मैंने इतने पैसे आपको दे रखे हैं और आपने बोला था कि नौकरी लगवाएंगे, मेरे डॉक्यूमेंट भी आप लोगों के पास है। तब इन्होंने मेरे को कहा कि लग जाएगी नौकरी। तब मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि मेरे पास तो मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है नहीं है, जो कि मेरे स्कॉलरशिप की वजह से मेरे कॉलेज में ही रखे पड़े हुए हैं, मैं उठा नहीं पाई। तब इन्होंने मेरे को कहा कि तू 60,000 दे दे,
और जो तेरा डॉक्यूमेंट है वो हम कॉलेज से ले आएंगे। मैंने कहा कि अभी मैं इतने पैसे नहीं दे सकती, 4 लाख आपने ऑलरेडी मांगे हुए हैं। इन्होंने मेरे को कहा चलो ठीक है, हम तेरे कागज अपने आप उठवा लेंगे, तेरे को लगवा भी देंगे। कुछ टाइम तक जब मेरे से रहा नहीं गया, मैं फिर इनके घर गई, हमारी काफ़ी बहस हुई कि अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ प्रोग्रेस नहीं हुई आपके काम में, कुछ भी आप मेरे को रास्ता नहीं दिखा रहे हो। तब इन्होंने मेरे को एक ज्वाइनिंग लेटर की तरह ही फेक इन्होंने मेरे को व्हाट्सअप किया कि तेरा ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, तो 2 लाख रुपए दे दे। मेरे पास पैसे देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, मैं क्योंकि मेरे को भी ये यकीन हो गया था कि मेरा डॉक्यूमेंट भी कॉलेज से उठ चुके हैं और मेरा ज्वाइनिंग लेटर है जो आ चुका है। उसके बाद जब मैंने इनको बोला कि 2 लाख दिए मैंने, तब मैंने इनको बोला कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर मेरे को दे दो। तब इन्होंने कहा तेरा ज्वाइनिंग लेटर अभी सिर्फ बना है, उस पर अनिल विजय जी के हस्ताक्षर रहते हैं और जब वो साइन हो जाएंगे तब तेरा ज्वाइनिंग लेटर जो है तेरे को मिल जाएगा। तो जब जो कि मैं 2 लाख पहले दे ही चुकी थी, तो मैंने कहा वो कब तक आएगा? कहते हैं तेरे पास चंडीगढ़ से कॉल आ जाएगी कब तूने ज्वाइन करना है। उसके बाद मेरे पास चंडीगढ़ से एक नंबर से कॉल आती है जो मेरे को विश्वास दिलाता है कि तेरा जो ज्वाइनिंग लेटर है वो रमन बाय कोरियर तेरे पास भिजवा दिया जाएगा, तू रमन को पैसे दे दे। उसके बाद मैंने फिर रमन को 2 लाख दे दिए, जो कि आशा और छिंदी साथ ही थे मौके पर, उन्होंने मेरे से पैसे लेकर रख लिए। मैंने आशा से कहा, मैं कहा भाभी अभी तक मेरा कोई जो है रिस्पॉन्स नहीं है, मेरा ज्वाइनिंग लेटर कहाँ है दे दो। तभी जो मुझे पता लगा कि रमन के खिलाफ 420 का केस जो है फाइल हुआ है, 8 लाख के सोने के चक्कर में, किसी कि उन्होंने मंत्री जी का नाम लेकर किसी सन्यारे की दुकान से 8 लाख का सोना जो है जब्त किया है। तो उस चीज़ को लेकर मेरे उनसे काफ़ी बहस हुई कि आप लोग फ्रॉड हो, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तब उसने बोला कि ऐसा नहीं है, रमन ने ऐसा कुछ नहीं किया, तेरा ज्वाइनिंग लेटर जो है वो आ चुका है, रमन जैसे ही जेल से बाहर आएगा तेरा ज्वाइनिंग लेटर तेरे को मिल जाएगा। उसके बाद फिर ये लोग जब रमन जेल से बाहर आए, ये लोग सर से चले गए, तब भी मैंने इनसे पूछा कि मेरा जो ज्वाइनिंग लेटर है वो दे दो। वो बोलते कि अभी तेरा ज्वाइनिंग लेटर जो है वो पता नहीं किस कारण से वापस चला गया है और हम तेरे को लगवा देंगे, तू मेरे को वापस डॉक्यूमेंट भेज। मैंने उनको वापस अपने सारे डॉक्यूमेंट पीडीएफ करे व्हाट्सएप पर, और उसके बाद इन्होंने कोई सर से के मंत्री से बात की कि तेरे को लगवा देंगे। मुझसे इन्होंने कुछ इतना सीएमओ का नंबर मांगा है लेकिन मेरे पास वो नहीं था। तभी ये लोग वापस आए, तभी इन्होंने मेरे को कहा कि हम तेरे को लगवा देंगे लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी नहीं लगवा पाए। ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने जो है मेरे 4,24,000 हड़प लिए हैं और मैं प्रशासन से विनती करती हूँ कि इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए और मेरे जो 4 लाख है वो मेरे को वापस दिलवाए जाए। आपके माता पिता क्या करते हैं? कोई सरकारी नौकरी नहीं सर, दिहाड़ी मजदूरी। शिकायत प्राप्त हुई थी मुझे नर्स की नौकरी दिलवाने के लिए रमन नाम का व्यक्ति पैसे की डिमांड कर रहा है, और जिसने कहा कि मैं आपको नर्स की नौकरी लगवा, सरकारी नौकरी लगवा दूंगा और 4 लाख। इसमें इसने कुछ पैसे गूगल पे किए हैं, कुछ नगद पैसे दिए हैं। जो ये दरखास्त प्राप्त हुई थी उसकी जांच की गई, उस जांच के आधार पर FIR रजिस्टर की गई है और आगे भी इसकी है ना पूर्ण तरीके से तफ्तीश की जा रही है। कौन लोग हैं, कितने लोग हैं? ये 3 रमन, रमन की वाइफ है और सुरेंद्र कौर है, 3 के खिलाफ FIR रजिस्टर की गई है। अभी जांच चल रही है, अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है।